हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाया है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है मैंने तेल। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल का यूज़ किया, आप कोई भी तेल जो यूज़ करते हैं रोज़ वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 टेबलस्पून के करीब तेल ले लिया है। और तेल के गर्म होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, थोड़े से साबुत गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची है, ग्रीन वाली इलायची है, लौंग है और साथ में यहाँ पर मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं और ये तेज़पत्ते। अच्छे से सभी चीज़ों को भून जाने देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। तो ये 700 से 800 ग्राम के आसपास चिकन है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं। और गैस के फ्लेम को फुल रखते हुए इसे हमें 4 से 5 मिनट भूनना है। चिकन की 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है फुल फ्लेम पे। और साथ में हम मसाला भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 हरी मिर्च है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि पीसीस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन वाला पेस्ट। तो ये पूरा पेस्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल के ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये पानी भी डाल दिया है। और दोबारा से सभी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पर भूनना है ताकि जो इसमें अदरक लहसुन हमने डाला है वो भी अच्छे से भून जाए। और ये जो तेज़पत्ता है इसका फ्लेवर आ चुका है ऑयल में, तो इसे निकाल देते हैं क्योंकि जब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं तो थोड़ा ही प्रॉब्लम करता है मिक्स करने में। तो मैं इसे लहसुन के साथ पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च 3 से 4 ली है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर हरी मिर्च ले सकते हैं। इसे मैं ढक के पका रही हूँ ताकि ये थोड़े पक भी जाएँ और इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसे भून लिया है और इसमें से जो पानी था वो ड्राई हो गया है। पेस्ट भी अच्छे से भून लिया है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ इसमें ले लेंगे हल्दी पाउडर, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने यहाँ पर ये हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर मैं डाल देती हूँ। साथ में काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के आसपास। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। तो यहाँ पर ये नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं डाला है। अच्छे से मिला देंगे सभी चीज़ों को। और यहाँ पर चिकन को बनाने में प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, बिना प्याज के ही बनाएंगे, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट वाला बनता है। तो इस तरीके से भी एक बार चिकन ज़रूर बनाइए अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट से। तो अच्छे से इसे मिला लेना पहले ताकि जो सूखे मसाले हैं वो भी भुन जाएं जल्दी से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी और चिकन के पकने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर सूखे मसाले को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के करीब भून लिया है। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो मसाला जल जाएगा। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। तो 2 कप के करीब मैं पानी डाल देती हूँ उसमें। तो ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, मिला देंगे इसे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसे मिला देती हूँ और मिलाने के बाद चिकन के पकने तक हम इसे पका लेंगे। तो इसे कवर कर देते हैं ताकि ये पक जाए। तो 15 से 20 मिनट में चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि इन्हें हमने चिकन को फ्राई भी किया हुआ है तो वो थोड़ा बहुत पहले भी पक चुका है। बीच में इसे हम 1 से 2 बार चला लेंगे। और दोबारा से मैं पका लेती हूँ इसे कवर करके। और यहाँ पर चिकन को पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। और जो इसमें पानी था, ग्रेवी थी, वो काफ़ी ड्राई भी हो गया है। इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला। साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसके साथ ऐड करेंगे 1 नींबू का रस,
अच्छे से मिला देंगे और केवल 2 मिनट और पका लेंगे। दो मिनट के बाद यहाँ पर जो हमारा चिकन है बिल्कुल तैयार हो चुका है और अच्छी सी कोटिंग आ गई चिकन के ऊपर मसालों की, बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ करके करते हैं इसे सर्व और यहाँ पर हमारा ये मसालेदार चिकन बनके तैयार हो गया है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट है इसका, तो इस तरीके से ये ज़रूर ट्राई कीजिए। रोटी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर दिया है, तो इस तरीके से ट्राई कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी और इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, साथ में यहाँ पर मैंने ये आधा केजी के करीब चिकन ले लिया है, इसे बड़े बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसके साथ ही आधा कप के करीब इसमें डाल रही हूँ दही। 2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को मिला देती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन इसे मैं 15 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी, ये मैंने पानी डाल दिया है। उसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज, साथ में 2 बड़े टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 10 लहसुन की कलियाँ, तो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे 3 तेज़पत्ते, तो ये मैंने छोटे डाले हैं, आप बड़े डालेंगे तो 2 डाल सकते हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 छोटी इलायची है और 5 से 6 लौंग यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो नमक बहुत ध्यान से डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और इसके साथ ही 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल दी हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब बटर और इसे कवर कर देंगे, बॉईल कर लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक, और 1-2 बार हम बीच में चला देंगे। साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 6 से 7 काजू, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये काजू डाल दिए हैं, ये भी साथ में बॉईल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस इसे इतना ही पकाना है और अब गैस पे हम रखते हैं दूसरी कढ़ाई। तब तक इसे हम बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है इस मसाले को, तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और गैस पर मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब बटर और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब बटर डाल दिया है इसमें, और बटर के साथ ही इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए, तो ये पूरा चिकन इस कढ़ाई में हम डाल देंगे। और इस चिकन को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये चिकन हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, तो बीच बीच इसे हम चला लेंगे और इसे कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसे पकाना है। दोबारा से इसे कवर कर देंगे। यहाँ पर हमें चिकन को पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है, जैसे कि हमारा चिकन भी यहाँ पर पक जाएगा और इसमें जो ग्रेवी रह गई है वो भी अच्छे से सूख जाएगी। और यहाँ पर हमारा ये टमाटर प्याज का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो इसमें जो खड़े मसाले हैं ये दालचीनी इलायची और तेजपत्ता, इसे हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे बहुत अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये सभी खड़े मसालों को निकाल लेती हूँ और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और यहाँ हमने चिकन को भी अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है, इसमें जो ग्रेवी थी उसका पानी था दही का वो पूरी तरीके से सूख गया है और चिकन भी यहाँ पर हमारा 90% तक पक चुका है, तो सारे चिकन को हम एक साइड कर देंगे।
मैं यहाँ पर कढ़ाई चेंज नहीं कर रही हूँ, आप कढ़ाई चेंज करके भी कर सकते हैं। ये मैंने चिकन को एक साइड कर दिया है सभी को, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर। यहाँ पर मैंने ये बटर डाल दिया है, 3 टेबलस्पून के करीब बटर डाला है। तो यहाँ पर बटर का थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है हमें, और इसे मेल्ट होने देना है। और यहाँ पर बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर, मिला देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी। ये जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो ये पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, और मिला देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। और अभी से हम 5 से 6 मिनट पका लेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। नमक हमने पहले से डाला हुआ है, तो नमक हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैं कवर कर दे रही हूँ चिकन को, 5 से 6 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में से हम 2 से 3 बार चला लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे ग्रेवी के साथ चिकन को पकाते हुए, और ये हमारी बटर चिकन बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हम डाल लेते हैं, तो इसमें 2 से 3 चम्मच डाल लेते हैं क्रीम, और इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप, और मिला देंगे। ऐसा कलर बहुत ही सुंदर आया है। यहाँ पर मैंने क्रीम डालकर अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्ट की हुई कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, ये इसमें डाल देती हूँ, और इसे मिला देंगे। और ये हमारा बटर चिकन बन के तैयार हो गया है। तो मिक्स करने के बाद करते हैं इसे सर्व। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बटर चिकन सर्व कर लिया है, और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा बन के तैयार हुआ है। और इसके ऊपर मैं लगा लेती हूँ थोड़ी सी क्रीम, और साथ में लगाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो तैयार है हमारा ये बटर चिकन। तो इस तरीके से आप ये बटर चिकन ज़रूर बनाएं, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि बटर चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी।